जय जिनेंद्र। चलो अनमोल अनमोल जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। हेलो जय जिनेंद्र। आ गए? हाँ चलो तैयारी हो गई? हाँ चल चलो अनमोल। जब लो आदिनाथ भगवान की जय 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 नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए शब्द साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो शब्द पावक पड़ाशलो मंगलाणम च सब्बे किं पड़बम हबई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। आज हमारे सामायिक और संभव सेशन का फिफ्थ डे पांचवा दिन और इस सीरीज जो मॉर्निंग सीरीज हमारी चल रही है शायद इसका 248 डेज 248 दिन हो चुके हैं हमारी कंटिन्यू विदाउट एनी टाइप ऑफ एनी ब्रेक हमारी सीरीज चल रही है और सब लोग उसमें सहभागी बने हुए हैं। तो आइए हम चलते हैं आज के अभिषेक और शांति धारा की ओर। हम सब मिलके अभिषेक करेंगे शांति धारा करेंगे और उसके जो निर्मल जल गंधों तक हमें प्राप्त होगा उससे हम पिछले 24 घंटे में हमारे चक्राज में जो मलिनता छा गई है उसको स्वच्छ करने की उसे क्लीन करने की कोशिश करेंगे। भावों में निर्मलता लाइए मन को निर्विकल्प कर लीजिए शून्य की अवस्था में चले जाइए एकाग्र होके अपने आप को फुल्ली पूर्ण रूप से एकाग्र करके कंसंट्रेट हो जाए कंसंट्रेट करके और अपने आप को समर्पित कर दीजिए भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कुछ नहीं सोचिए आप और आपके सामने अक्षयकारी प्रतिमा जी आप जिन मंदिर में जाते हैं उन मंदिर की कल्पना करिए और अभिषेक पूजन पाठ इत्यादि चल रहा है आपके कानों तक वो सभी वाइब्रेशंस आ रहे हैं आप पूर्ण समर्पित होके आज के अभिषेक और शांति धारा करिए अपने कर्मों की निर्जरा करिए आगे कर्म बंद ना हो इसके लिए तैयारी करिए। कम से कम हो इन सब की हम तैयारी करने जा रहे हैं
चलिए शुरू करते हैं आज की शांति धारा। सभी लोग पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाइए। भगवान जी की प्रतिमा देखिए कितनी अतिशयकारी। सभी लोग दर्शन कर लीजिए। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। जय जय। द्रव्य अनल्प घनता चतुरा समय रामोदित समत दिगंत रालय मिश्री कृतेन पैसा दिन पोंग मानम त्रैलोक पावन महम इपनम करोमि। ओम रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विद्वादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव मादना मादे जम्बू दीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जी चैत्यालय मध्ये पौष मासे कृष्ण पक्षे न पौष मासे कृष्ण पक्षे तिथि दशम्याम दिन शुक्रवासरे मुनि आर्य का श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधित जलाभिषेक करोमि नमः। दूरा बनमृतुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणा च विदूत राग्रिम प्रस्फेत ताप मल मोक्त मपीर प्रकष्टै भक्त्या जले जिन पतिं बहुधा भिषिञ्चे। ओम रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विद्वादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव माध्यानामादे जम्बूदीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन चैत्यालय मध्ये पौष मासे कृष्ण पक्षे तिथि दशम्याम दिन शुक्रवासरे मुनि आर्य का श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधित जलाभिषेक करोमि नमः। इष्टै मनोरथ सतैरि विभव पुंसा पुणै सुवर्ण कलितै निखिलावतानम् संसार सागर विलंगन हेतु सेतु मप्लावैत्र बुनेक पतिं जिनेन्द्रम। ओम नीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विद्वादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव माध्यनामादे जम्बूदीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जी चैत्यालय मध्ये पौष मासे कृष्ण पक्षे तिथि दशम्याम दिन शुक्रवासरे मुनि आर्य का श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधित जलाभिषेक करोमि नमः। अर्घ ले लीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूपल अर्घ लई धवल मांगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे। ओम रीम श्रीम क्रीम त्रिभुवन पते चतुष्कलश जलाभिषेक करोमि अनर्घ पद प्राप्ताये अर्घम निर्पामिति स्वाहा स्वाहा। चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।
चलिए चलते हैं हम शांति धारा की ओर, वैसी ही निर्मलता और उससे भी ज्यादा एकाग्रता बना के चलते हैं शांति की खोज में और करेंगे शांति धारा और प्रार्थना करेंगे भगवान से कि जो वैक्सीन कोरोना की आई है वो सबको उपलब्ध हो, इफेक्टिव हो, सभी लोग उसका लाभ ले सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके मानव जीवन का कल्याण कर सकें, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो सके, ऐसी भावना के साथ सभी लोग शांति धारा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, श्री भीतरागाय नमः। ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते श्री पार्थि तंत्राय द्वादश गण परिवेष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक वंत कराए सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धनेन पुणा मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावा श्राविका प्रमुख चतुस्संगोत्सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। और अब सभी लोग आने वाले जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ हैं, जो कर्म कर्म हमें आ सकते हैं उनकी निर्जरा के लिए जोर से अपने आप बोलेंगे। आप म्यूट हैं, आप बोल सकते हैं, छिन छिन दे भिन भिन दे बोलना है। अपायम मृत्युम रतिकाम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोत्सर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम् सर्वराज्यभयम् सर्वचोरभयम् सर्वदुष्टभयम् सर्वमृगभयम् सर्वात्मचक्रभयम् सर्वपरमन्त्रम् सर्वशूलरोगम् सर्वक्षयरोगम् सर्वकुष्ठरोगम् सर्वक्रूररोगम् सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वश्वासमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहितमारीम सर्वधान्यमारीम सर्वभ्रक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वबेतालसाग्निमयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौर वीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मटबन पत्तन द्रोणा मुख सम्मानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुखम हन हन दय दय पच पच कुटकुट शीघ्र शीघ्र युखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम् अभयम् क्षेममारोग्यम् स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते। शिवमस्तु कुल गोत्र धन दान सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु बातपूज मल्ली वर्धमान पुष्पदान शीतल मुनिशोप्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ देव्यो जिनेभ्यो नमः।
इतने इतने अस्माकं श्री एस सी जैन साहब रेखा जैन जी और उनकी बेटी शिल्पा जैन, संदीप जैन, उनके पुत्र अमित जैन एंड पूरा परिवार नोएडा से और कैलिफोर्निया से, उनकी तरफ से आज शांति धारण की जा रही है। उनकी जो भी मंगल भावनाएं हैं वो सब पूर्ण हो, शांति स्थापित। अंकल जी जय जय। हाँ बोलिए। वो नीरज आंटी का हैंड रेज है, उनको अनम्यूट कर दीजिए। नीरज जी का। अरे तो क्लेम नहीं की, अनम्यूट कर दी। क्यों क्लेम नहीं किए क्या हमने? क्लेम कर दो, अनम्यूट कर दीजिए। बोल कौन से वो खुद ही करें क्लेम बोलते हैं। एक मिनट, हमारे एस सी जैन साहब, रेखा जैन, हाँ वो कोस्ट बना दिया मैंने। कोस्ट बना दिया जी। नीरज दीदी। हाँ भैया, हाँ अभी हो गया। आप तो क्लेम कर लेते हैं ना? मैं को होस्ट होती हूँ तभी क्लेम कर पाती हूँ, नहीं तो नहीं क्लेम होता है वो। अच्छा, मेरे को नहीं मालूम, ये बोली क्लेम हो जाता है तो मैंने। हाँ चलिए, सॉरी। एस सी जैन साहब, रेखा जैन, शिल्पी जैन जी, संदीप जी एंड अमित जी एंड उनका पूरा परिवार नोएडा से और कैलिफोर्निया से, प्रवीण जी पारक, कीर्ति पारक सूरत से, उन्होंने अपने बिजनेस और अपने बेटे के जाप के लिए भावना भाई है, उनकी भावनाएं पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। इसी क्रम में हमारे सौरभ जी जैन जयपुर, वो हमारे आकाश जी जैन कोलकाता है वाले हैं, उनके कोई रिलेटिव हैं, उनको कोविड हुआ है, तो भगवान उनको मंगल स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द दे। सुरेश जी, पुष्पा जी, आनंद जी, सोनल जी, प्रमोद जी, हेमा जी, मरलेचा पुणे से। सुरेश जी की तबीयत खराब है। जालम जी कोठारी जयपुर से स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्होंने भावना भाई है, भगवान उनको स्वास्थ्य लाभ देवे। जालम जी कोठारी जयपुर। और सुरेश जी जो पुणे से हैं, सुरेश जी मरलेचा, उनकी तबीयत स्वास्थ्य ज्यादा ही खराब है, तो भगवान उनको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ देवे, ऐसी भावना हम सभी भाते हैं। नीरज जी सुराना, जिनका आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी लोग देते हैं पूरे पार्टिसिपेंट की ओर से। उन्होंने जो इतने दिनों से सीरीज चला रही है, उनके जन्मदिन की सभी की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रीस जैन हेल्थ इशू के लिए, कुसुम जालन जी हेल्थ इशू के लिए, और पुष्पा जी कोलकाता, उन्होंने भी मंगल भावना भाई है, तो उनके परिवार में सब शांति बनी रहे। ऐसे इसी क्रम में हमारी प्रमला जी नाहर और उनके पूरे परिवार को कुछ कोविड के सिम्टम आए हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम भावना भाते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले, भगवान स्वास्थ्य लाभ मिले और जल्द से जल्द ठीक हों, ऐसी मंगल भावना हम भाते हैं। और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए थे, उनको कोई यदि प्रॉब्लम आई और जिनका नाम हमारे तक नहीं पहुंचा है, उन सब के स्वास्थ्य लाभ के लिए हम भावना भाते हैं, जल्द से जल्द उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले, भगवान स्वास्थ्य लाभ मिले, जल्द से जल्द ठीक हों। उसके अलावा हमारे आयोजन समिति के जितने संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, संगम फाउंडेशन हैदराबाद, सिद्धार्थन परिवार कोलकाता, और दिगंबर जैन महिला मंडल मुंबई, और पहले जो जीतो परिवार हमारे जुड़ा हुआ था वो भी, इन सभी के जितने पदाधिकारी हैं, सभी के लिए हम मंगल भावना भाते हैं। हमारे बॉर्डर में जो सैनिक हमारे राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं,
उनके परिवार में भी शांति बनी रहे। हमारे भक्तांबर के और आईवीएस के जो हीलर्स हीलिंग का कार्य कर रहे हैं, लोगों को धर्म लाभ दे रहे हैं, उन सब के परिवार में शांति बनी रहे, ऐसी भावना हम बांटते हैं। ललिता जी, संतोष जी, अरिहंत जी, सोनल जी और सोनी जी, सेट्टी परिवार, उनके लिए भी मंगल भावना बांटते हैं। नीरज जी, जय सिंह जी, केतन जी, प्रशांत जी सुराना हैदराबाद, उनके लिए मंगल भावना बांटते हैं। हमारे दोनों स्पीकर डॉक्टर मंजू संदीप जैन, और शायद उनके परिवार में कोई की तबीयत खराब है, तो उनके लिए भी हम मंगल भावना बांटते हैं कि भगवान सबको शांति दे, सबको स्वास्थ्य लाभ मिले। डॉक्टर अर्चना विनय जैन जो इतने दिनों से धर्म लाभ करवा रही हैं, उनके लिए भी मंगल भावना बांटते हैं कि उनके परिवार में भी शांति बनी रहे, भगवान शांति स्थापित हो। अनमोल जी, संतोष जी पाटनी, बैजापुर परिवार, उनके लिए भी हम मंगल भावना बांटते हैं, उनके लिए परिवार में शांति बनी रहे। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, और जो जुड़े हुए थे, सबके लिए मंगल भावना बांटते हैं, भगवान सबके परिवारों में शांति बनी रहे, शांति बनी रहे। हमारी आईवीएस संस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी जो भी जुड़े हुए हैं, सबके लिए मंगल भावना बांटते हैं, सबके परिवारों में शांति बनी रहे। इन सब मंगल भावना के साथ हम अब आज की संध्या करेंगे। सभी लोग पूर्ण रूप से एकाग्र होकर बोलिए, मैं थोड़ा थोड़ा समय दूंगा, आप उस बीच में बोल सकते हैं। श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जयोस्तु, नित्यमारोगमस्तु, सर्वेषां पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुल गोत्र धनादि सदा सन्तु, सद्धर्म श्रीवल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अरं अस्याहुता अनाहत विद्याये रमोर्यंतरणम्। ॐ सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नीम क्रीम क्लीमरम अस्य उषा अनाद विद्याय लमोर्यंतरम। ओम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नीम क्रीम क्लीमरम अस्य उषा अनाद विद्याय लमोर्यंतरम। ॐ सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र श्यामान्वित बोधनानं देशस्य राटस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। इति शांति धारा। अर्घ ले लीजिए। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुदूपल अर्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुलई, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, जिन ग्रहे जिन शांति धारा महम यजे, जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते शांति धारा उपरांत श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमलों में, श्री शांतिनाथ भगवान के चरण कमलों में, श्री महावीर भगवान के चरण कमलों में, चौबीसों भगवान के चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्ताये अर्घम निरपामिति स्वाहा। अर्घम निरपामिति स्वाहा। चलिए।
चौबीस भगवान की है, पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक भी है। तो ललिता दीदी पार्श्वनाथ भगवान जी का अर्घ मैं बोल देता हूँ, आप चौबीस भगवान का अर्घ बोल दीजिए। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप सिर पलादि अर्घ से जगीजिए, पार्श्वनाथ देव देव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा, अर्घम निर्पामिति स्वाहा। चौबीस भगवान का अर्घ बोलेंगे और दीदी ने जैसी भावना भाई थी कि पूजा आज पूजन करेंगे पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याण के ना जन्म कल्याण के, तो दीदी पहले चौबीस भगवान का अर्घ बोल लेंगे फिर पूजन करेंगे। ललिता दीदी दीदी अनम्यूट करिए ना, अभी तो बोल रहे हैं। चले ठीक है, तो चौबीसो भगवान की जय। चंदा प्रभु भगवान का भी जन्मदिन है। अच्छा अच्छा, पार्श्वनाथ और चंदा प्रभु दोनों भगवान के जन्मदिन है। चलिए तो उसमें कैलेंडर में तो यही दिखा रहे हैं, वो पार्श्वनाथ भगवान का ही है क्या? चंदा प्रभु भगवान दोनों का अर्घ दिखा रहे हैं को है दोनों का कल है। अच्छा अच्छा, आज दसवीं है ग्यारह को है वो कल है, नौ तारीख को है भैया विनीत भैया। अच्छा, अच्छा। जी 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 जी, नौ तारीख को जले चंदन तंदुल वृषभ अजित शंभव अभिनंदन सुमति पद्म शु पार्श्व जिन राय चंद पूप शीतल से आंसनमि वाश्य पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंत हरि मल्लि मनाय मुनि सुव्रत नमिने मि पार्श प्रभु वर्तमान पद पुष्प चढ़ा जल पल आठो सुचि सारता को अर्घ करो ओ तुम को अरे पो भवतार भवतरी मोक्ष वर चौबीसो सिर जिन चंद आनंद खंद सही पद जजत हरत भव पंद पावत मोक्ष मई। ओम रीम श्री वृषभादि विरांत्यो भय अनंत प्राप्तये अर्घम निर्पामति स्वाहा। लो चौबीसो भगवान की जय, जय जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, जय शांतिनाथ भगवान की जय, जय जय आदिनाथ भगवान की जय, जय जय सभी को जय। जिनेन्द्र अनमोल बहुत समझदार और बहुत ही गुणवान बच्चा है कि देखो इसको कितना ध्यान, आज 8 तारीख है, 9 तारीख को और आज कौन सी तिथि हुई, दसवीं है कल 11 को है। हाँ 11 को, मैं तुम्हें से पूछना चाह रही थी 11 को जन्मदिन है इसीलिए। चलिए थैंक यू, तो हम लोग पूजन पाठ कल करेंगे। आप सभी लोगों को एक दिन का मौका, हाँ एक दिन का मौका और मिला है, भाव में निर्मलता लाइए, कल तैयारी के साथ आइए और कल हम लोग पूजन के साथ अभिषेक करेंगे, अभिषेक के साथ पूजन करेंगे पार्श्वनाथ भगवान का और चंदा प्रभु भगवान का। आज ही है भैया, आज दसवीं है ना, तो दसवीं की तिथि है, इधर तो सब कोई आज ही कर रहे हैं और प्रार्थना के वहां पे भी मंदिर जी में बड़ा प्रोग्राम आज ही है पार्श्वनाथ भगवान के हिसाब से। चलिए आज भी कर लेंगे उसमें, जब इच्छा है करिए वैसे। हाँ आज भी कर लेंगे, जितने दिन जब मनाओ तब तब काफी है। तो आज हमारे जो प्रोग्राम है, आज अर्घ तो चढ़ा ही लिए हम लोगों ने, निर्भर आप बोलिए पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ बोलिए, आज आपका जन्मदिन है, चलिए बोलिए। मैं तो है ना प्रणाम करती हूँ पार्श्वनाथ भगवान को, श्री पार्श्व देव चरणों में सत सत प्रणाम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। बस मैं अर्घ और हम लोगों को इतना नहीं आता है, भावना से जरूर चढ़ाती हूँ भगवान को, हर दिन चढ़ाती हूँ, आज भी चढ़ा रही हूँ। तो
अर्घ चढ़ा लिए और जो बाकी प्रोग्राम जो पहले डिसाइड हुए थे वो यथावत ही रहेंगे। बाकी प्रोग्राम जो पहले डिसाइड हुए थे वो सब यथावत जैसी बात हुई थी अब अर्चना जी सब बता देंगे आपको, लेकिन पूजन हम लोग कल कर लेंगे। और यदि आप लोगों की इच्छा हो तो पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? बोलिए दीदी। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए, 10 मिनट लगेगा, ज्यादा देर का नहीं। आपकी इच्छा, क्योंकि मैसेज है ना चैट बॉक्स में भी यही आ रहा, आज ही है, आज मैंने उपवास किया। दोनों दिन मनाते हैं। आप गंदों तक लगवाइए, हम लोग तो पूजन पाठ करने के लिए ही बैठे हैं, दो दिन करेंगे तो क्या सही है, दोनों दिन कर लेंगे, क्या है, दोनों दिन करो, क्या दिक्कत है, तक लगवा दीजिए। पार्श्वनाथ भगवान की जय। अभी पूजन के लिए थोड़ी राख की जरूरत है तो मैं माइक अर्चना जी को दे देता हूँ, थोड़ी सी राख से बोल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, गंदो तक तो मैं लगवा देता हूँ क्योंकि स्वच्छ में ही करवा सकता हूँ साफ आप। हेलो, चलिए सब लोग पिछले 24 घंटे में सब लोग याद करिए थोड़ा सा, क्या क्या गलत किए, मतलब कर ऐसे ही गंदों तक से ऐसे ही क्लीन नहीं हो जाएंगे चक्र आज। जितनी देर हम बोलेंगे उतनी देर थोड़ा सा याद करके पश्चाताप करिए कि क्या क्या छोटी मोटी जो गलती हुई जो याद आ जाए आपको 24 घंटे में, उनको यहीं पे पश्चाताप कर लीजिए, यहीं पे माफी मांग लीजिए तो आपको भाव में निर्मलता आ जाएगी। ठीक है, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टक निवारणम, जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टक निवारणम, कर्माष्टक निवारणम। चलिए इस प्रकार हमने अपने चक्राज को क्लीन कर लिए और पार्श्वनाथ भगवान की चरणों में पूरी समर्पण पूर्ण समर्पण के साथ हम लोग आज उनकी पूजन करेंगे। उनका जन्मदिन हमने पहले डिसाइड किया था, चलो कुछ लोग मना रहे हैं तो हम लोग दोनों दिन ही मनाएंगे। भगवान की जय जय जय। चलिए पूजा पाठिका की ओर चलते हैं, हाथ में पुष्प ले लेंगे सभी लोग। भगवान की जय 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 जय। मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो, मंगल अरहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सो वंदो समे। मंगल आचार्य जमुनि, मंगल गुरु वचाय, सर्व साधु मंगल करो बंदो मन बचका। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिनवर्धन, मंगल मय मंगल करो हरो साता कं। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल होत, मंगल नाथु राम यह भव सागर दुड़पो। पुष्पांजलि छिपमी। दोनों हाथों को हृदय कमल पर, हम पूजा पाठिका करने जा रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सर्वसाहुणम।
ओम अनादि मूल मंत्र पूर्ण नमः परि पुष्पांजलि छिपमी भाव से सब लोग चढ़ा लेंगे। हमारा ये अचानक प्रोग्राम हुआ है, कई लोगों ने द्रव्य तैयार नहीं की होंगी, कल हम द्रव्य तैयार करके करेंगे। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम एक दिन मेडिटेशन नहीं कराएंगे, हम आराम से पूजा कर लेते हैं। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणम पब्बब्जामि अरहंत शरणम पब्बब्जामि केवली पन्नतम सिद्धे शरणम पब्बब्जामि साहु शरणम पब्बब्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पब्बब्जामि। ओम नमः ते स्वाहा पुष्पांजलि छिपामि। अपवित्र पवित्र वा सुस्थितो दुस्थिति वा धात पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्रा पवित्रो वा सर्ववस्तम गतोपि वा यः स्मरे परमात्मानां सवाभ्यन्तरे शुचि अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशिना। मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मता ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषिं परमं हवहि मंगलम। अरम्यत्यक्षरं ब्रह्मं वाचकं परमेष्टिना सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतापणमाम्यहं। कर्मास्तक विनर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतकं सम्यक्त्वादि गुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहं। विघ्नोना प्रलम्यन्ति शाकिनी पुत्पन्नगा विषम निर्विस्तायाति स्तुयमाने जिनेश्वरे पुष्पांजलि छिपमि। पंचकल्याणकर्ग उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदु फलाध कई धवल मंगल गान रवा कुले दिन ग्रहे कल्याण महम यजे। ओम ब्रीम त्री भगवतो गर्भ जन तप ज्ञान निर्माण पंच कल्याण दो अनर्ग पद प्राप्ताये अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम रीम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर प्रादुभ्यो जिंदन जिनागम जिन चैत्य अनर्ग पद प्राप्त है अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम रीम अरम श्री भगवत जी नष्टोत्तर सहित नामेभ्यो अनर्ग पद प्राप्त है अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम रीम श्री जय श्री जयत्रम। ओम ह्रीम श्री भगवत जिन स्वस्थ नामभ्यो अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री मधुमा स्वामी विरचिते तत्वा सूत्र दशाध्याय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री मांतुंगाचार्य विरचित समस्त भक्तांबर काव्य आदि जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। स्वस्ति वाचनम हम करेंगे, स्वस्ति मंगल पाठ, चलिए पूजा प्रतिज्ञा पाठ। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द जगत्त्रयेशं स्वाद्वादनायकमनन्त चतुष्टयारं श्रीमूलसङ्गसुदुश्यामसुकतैकहेतु जिनेन्द्रयज्ञविधिरेशमयाभ्यधायि स्वस्ति त्रिलोकगुरुवे जिनपुङ्गवायि स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताये स्वस्ति प्रकाश तह जोर जित द्रण मंगाए स्वस्ति प्रसन्न ललिता भूत मय बवाए स्वच्छलद विमल बोध सुधा फलाए स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभास काए स्वस्ति त्रिलोक वितिते किचि दुर्गमाए स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताए गवश शुद्ध मधिगम्य यथानुरूपम भावश शुद्ध मधिकाम अधिगन्तु कामम अलम्बनानि विविधान्यवलम्ब बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरतस्य करोमि यज्ञम् अरत्त
पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्यनूनमखिलान्ययमेक एव अस्मि ज्वलद विमल कोए बल बोध महनो पुण्यम समग्र मन मेक मना जो होमि ओम नीम विविध यज्ञ प्रतिज्ञा नाय जिन प्रति मान गए परिपुष्पांजलि छिपे। चलिए स्वस्ति मंगल पाठ की ओर चलेंगे। सभी का स्वस्ति हो, सभी को मंगलमय हो, 24 तीर्थंकर सभी के लिए मंगलमय हो। चलिए दोनों हाथों से अर्घ स्वस्ति मंगल में सेवन करेंगे। श्री वृषभन स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री शंभ स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमत स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभु श्री पाच स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु श्री पुष्पदन स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रिया स्वस्ति स्वस्ति श्री वसुपूज्य श्री विम स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुण श्री मल्लि स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुभद श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री ने मीनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना इति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि छिपामि। नित्या प्रकंपाद भूत केवलोग स्पूर्णन्मण पर्य शुद्ध बोधा दिव्यावती ज्ञात बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियाशो परमर्षयोना स्वस्ति क्रियाशो परमर्षयोना क्षीरं सवन्तो घृतं सवन्तो मधुं सवन्तोऽप्यमृतं सवन्ता अक्षीण शवाश महान शास्त्र स्वस्ति क्रियाशो परमर्षयोना स्वस्ति क्रियाशो परमर्षयोना इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि क्षिपामि। चलिए हम पार्श्वनाथ प्रभु की पूजा करने से पहले हमारे देव शास्त्र गुरु का अर्घ पहले चढ़ाएंगे। देव शास्त्र गुरु की पहले स्थापना करेंगे। देव शास्त्र गुरु नमन करी बीस तीर्थंकर ध्याय सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त हुलसा। आह्वानन करेंगे पहले। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु समूह विद्यमान विस्तृतंकर समूह अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर समूह अत्र अवतर अवतर समो सच आह्वानम जय हो जय हो जय हो। स्थापना करेंगे हम तीन लौंग सब लोगों के हाथ में। अत तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरु समूह विद्यमान विस्तृतंकर समूह अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर समूह अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधिकरणम जय हो जय हो जय हो। और अर्घ भी हम चढ़ा देंगे इसका। अष्टम वसुदा पाने को कर्मे ये आठो द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए यह अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को धाऊ विद्यमान श्री वीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊ। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु वे विद्यमान वीस तीर्थंकर उभयतंत्र सिद्ध परमेश्वर अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। चलिए हम आगे अब पार्श्वनाथ प्रभु के अर्घ पार्श्वनाथ प्रभु की पूजा की ओर चलते हैं। सभी लोग आज के पार्श्वनाथ भगवान की जन्म कल्याणक महोत्सव में बड़े भक्ति भाव से हम हमारे बच्चे का जन्मदिन आता है तो कितनी तैयारी करते और कितने भक्ति भाव से बच्चे के जन्मदिन मनाते हैं तो ये तो हमारे परम पिता परमेश्वर है तो उनके जन्मदिन के आज उपलक्ष में जन्म कल्याणक के उपलक्ष में आज हम करने जा रहे हैं पूजा। उसके पहले एक हम विद्यमान भी स्थितंकर का अर्घ चढ़ा देंगे।
और फिर हम चलते हैं वहां। जल फल आठो दरब अर्घ कर प्रीति धरी है, गंधर इंद्र ने उते थुति पूरी न करी है। ध्यानत सेवक जान के ओ जग तेले उनिकाल, श्री मंदर जिन आदि दे बीश विदे अमजाल। श्री जिन राज हो भव तारन तरन जहाज, ओम रिम श्री श्री मंदिर आदि विद्यमान विस्तृतंकर उभ्य अनग प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। चलिए चलेंगे हम पार्श प्रभु की पूजा की ओर। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री पार्श्वनाथ जिन पूजन की जय जय जय। वर स्वर्ग प्राणत को विहाय सुमात वामा सुत भय, अश्वसेन के पारस जिनेश्वर चरण जिन के सुर नय। बोलिए ललिता जी दो लाइन। नव नव हाथ ओनत तन विराजे, उर्ग लक्षण पद लसे थापू तुम्हें जिने आय तेष्टो, करम मेरे सब नसे। ओम रीम श्री चिंतामणि पाशना जिनेन अत्र अवतर अवतर संबोधत आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रीम श्री पाशना जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रीम श्री पाशना जिनेन्द्राय अत्र मम सन्नीतो भाव भाव बसत सनद्धिकरणम। जय हो जय हो जय हो। नीरज दीदी के पास किताब हो तो उनका जन्मदिन है, वो पढ़ेंगी तो वो भी पढ़ सकती हैं। क्षीर सोम के समान अम्बु सार लाइए। आप पढ़िए आप पढ़िए। क्षीर सोम के समान अम्बु सार लाइए, हेम पात्र धारी के सुआप को चढ़ाइए। पारसनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम भीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निपामिति स्वाहा। चंदनादि केशरादि स्वच्छ गंध लीजिए, आप चरण चल्स मोह ताप को हनी दिए। पारसनाथ देव सेवे आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम रीम श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निपामिति स्वाहा। फेन चंद के समान अक्षतान लाई के, चरण के समीप सार पुंज को रचाई के। पारसनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम रीम त्री पासना जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निपामिति स्वाहा। केवड़ा गुलाब और केत की चुनाई के, धार चरण के समीप काम को नसाई के। पारसनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम रीम श्री पाशना जिनेन्द्राय काम बाण बिंदुस्नाय पुष्पम निपामिति स्वाहा। घेवरादि बावरादि मिष्ट सर्पी में बंसने, आप चरण चलते सुधादि रोग को हने। पारसनाथ देव सेवे आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम रीम श्री पाशना जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय
नैवेद्यम निपामिति स्वाहा। लाय रत्न दीप को स्नेह पूर के भरु वाटिका कपूर बारी मोह दांत को हरु। पारसनाथ देव सेवे आपकी करू सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम निपामिति स्वाहा। धूप गंध ले के सु अग्नि संग जारिये तास धूप के सुसंग अष्ट कर्म बारिये। पारसनाथ देव सेवे आपके करू सगा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निपामिति स्वाहा। खारी कारी चिर भटादि रत्न थाल में भरु हर्ष धारी के जजू सुमोक्ष शोक को भरु। पारसनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निपामिति स्वाहा। फलम निपामिति स्वाहा। नीर गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप सी फलादि अर्ध तेज जीजिए। पारसनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निपामिति स्वाहा। चलिए पंच कल्याणक का अर्घम चढ़ाएंगे जिसमें आज जन्म और तप है। शुभ प्राण स्वर्ग विहार वामा माता उर आए वैशाख तनी लुतिकार हम पूजे विघ्न निवार। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण द्वितीयायाम गर्व मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निपामिति स्वाहा। वैशाख कृष्ण द्वितीया को गर्भ में आए थे भगवान। जन्मे त्रिभुवन सुखदाता एकादशी पोष विख्याता श्यामा तन अद्भुत राजे रवि कोटिक तेज सुलाजे। ओम ह्रीं ये देखिए इसमें लिखा हुआ जन्म कल्याण आज क्यों है। ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश्याम जन्म मंगल प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निपामिति स्वाहा। जय हो जय हो जय हो जय प्रभु। कलि पोष एकादशी आई अब बार भावन भाई अपने कर लोच सुकीना हम पूजे चरण जजीना। ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश्याम तपो मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निपामिति स्वाहा। देखिए भारतनाथ भगवान का तप तप कल्याणक भी है। पौष कृष्ण एकादश्याम पौष का महीना कृष्ण की तिथि एकादश्याम ग्यारस तपो मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निपामिति स्वाहा। मतलब आज नहीं कल है हम भी भावना भाए कि भगवान हम सभी को जो इस भक्तामर उसमें बैठे हुए और अन्य जन हैं सभी को इतनी शक्ति दे कि वो भी इस तरह एक दिन तप के रास्ते में आगे बढ़ते हुए सिद्धों की भूमि में जाके बैठे। बिल्कुल सही बात। चलिए कलि चैत चतुर्थी आई प्रभु केवल ज्ञान उपाई तब प्रभु उपदेश झुकीना भवि जीवन को सुख दीना। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण चतुर्थी आम दिने केवल ज्ञान प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निपामिति स्वाहा। केवल ज्ञान प्रभु को कब हुआ था
चैत्र कृष्ण चतुर्थ्याम, चैत महीना कृष्णा कृष्ण कृष्ण पक्ष चतुर्थ्याम चौथवी को, चौथी को, चतुर्थी को मोक्ष सप्तमी आती है, सित साते सावन आई शिव नारी वरी जिन राई सम्मेदा चल हरिमाना हम पूजे मोक्ष कल्याणा। मोक्ष प्राप्त हुआ था कब? श्रावण शुक्ल सप्तम, जो हमने मोक्ष सप्तमी मनाया था पिछले महीने श्रावण के महीने में। ओम रीम श्रावण शुक्ल सप्तम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निपामिति स्वाहा। चलेंगे जय माला की ओर हम चलेंगे। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर समर जाए। पार्श्वनाथ दिनेन्द्र तने वच पौन भकी जर ते सुन पाए, करो सर धान लहो पर आन भये पद्मावती शेष काय। पढ़िए ललिता जी दो लाइन। नाम प्रताप टरे, एक सेकंड दे, नाम में प्रटरे संताप भवन को शिव शर्म दिखाए, विश्व सेन के नंद भले गुण गावत है रे हर साए। विनय जी से पढ़वा लीजिए, आप दोनों पढ़िए। नाम प्रताप टरे संताप भवन को शिव शर्म दिखाए, हे आतुसेन के नंद भले गुण गावत है तुम रे हर साए। केकी कंठ समान छवि बमु उतंग नवहान, लक्षण उरग निहार पद बंदो पार्श्वनाथ। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर समर जाए। रची नगरी छे मास अगार बने चहु गोपुर शोभ अपार, सुकोट तनी रचना छवि देत कंगूरण पहला के बहुकेत। पढ़िए ललिता जी दो लाइन। बनारस की रचना जुआ पार करी बहुभाति धनेश तैयार, कहां अश्वसेन नरेंद्र उदार करे सुख वाम सुदे पटनार। तजो तुम प्राणत नाम विमान भय तिन के बर नंदन आन, तबे सोर इंद्र नियोगन आए गिरीन्द करीब दिन्यान सुजाए। पिता घर सौंपी गए निज धाम, कुबेर करे वसुजाम सुकाम, बड़े दिन दौज मयंग समान रमे बहु बालक निर्जरान। बहे जब अष्टम वर्ष कुमार घरे अनुव्रत महा सुखकार, पिता जब आन करी अरदास करी तुम ब्याह वरे मम आस। पिताजी बोले पुत्र से कि तुम ब्याह करो और मेरी आशा को पूर्ण करो। करी तब नाही रहे जग चंद किए तुम काम कसाए जुमन, चढ़े गजराज कुमारन संग सुदेखत गंग तनी सुत रंग। लख्यो इक रंक करे तप घोर, चहु दिस अग्नि बले अति जोर, कहे जिन नाथ अरे सुन भ्रात करे बहु जीवन की मत घात। उनके भाई ने बोला कि भाई जीवन को मत नष्ट करो ऐसे बोल के, कहे जिन नाथ अरे सुन भ्रात करे बहु जीवन की मत घात, ऐसा कुछ है इसका।
भयो तप कोप कहे कित जीव, जले तब नाग दिखाए रथ जीव, लख्यो यह कारण भावन भाय, नए दिव्य ब्रह्म ऋषि स्वर आए। तब ही सूर चार पर कारण योग धरी, शिविका निज गंध मनो कियो वन माहि निवास, जिनंधरे व्रत चारित आनंद कन। गए तह अष्टम के उपवास, गए धन दत्त तने जु आवास, दियो पैदान महा सुखकार, वही पन वृष्टि तहम तिहार। गए तब कानन, नहीं ना, हाँ यही है। गए तब कानन माई दयाल, धर्यो तुम योग समहि अगटाल, तबे ये घूम सुकेत अयान, भयो कमटाचर को सुर आन। करे नब गौन लखे तुम दीर, जो पूर्व वेद विचार गहीर, कियो उपसर्ग भयानक घोर, चली बहुती क्षण पवन झकोर। बहुत से उपसर्ग आए थे उनके ऊपर, बहुत तेज हवा चलने लगी थी। बोलिए। रहो दस हूँ दिसी में तम छाय, रहो दस हूँ दिसी में तम छाय, लगी बहु अग्नि लखी नहीं जाय, सुरडन के मिन मुंड दिखाय, पड़े जल मूसल धार अथाय। मतलब मूसलाधार वर्षा भी होने लगी, अग्नि भी बरसने लगी, सब कुछ होने लगा, इतने उपसर्ग वहां पे आने लगे थे। और तभी तब पद्मावती माता आई। तबे पद्मावति कांत धनेन्द्र, नए युग आए तहां जन चैन, भग्यो तब रंक सुदेखत हाल, लहो तब केवल ज्ञान विशाल। दियो उपदेश महा हितकार, सुभव वन बोध समय दपदार, सुवर्ण भद्र जहां कूट प्रशीत, वरि शिव नारि लही वसुरीर। जहाँ सिद्धार्थ स्थापित है, वहां पे पार्श्वनाथ भगवान की सुभद्र वत कूट है, वहां जाके उन्होंने अपने को वहां पे तप किया, और फिर वहां पे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वहां उन्होंने उपदेश दिया ऐसा है। चलिए। जय हो। जजू तुम चरण दो कर जोर, जजू तुम चरण दो कर जोर, प्रभु लखिए अब ही मम ओर, कहे भक्तावर रत्न बनाए, जिन्हें से हमें भव पार लगाए। जय पारस देवम सुरकृत सेवम, बंदन चरण सुनागपति, करुणा के धारी पर उपकारी, शिव सुखकारी कर्म हति। गुरुवर तेरे चरणों की, मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर समर जाए। ओम रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जय माला पूर्णागम नृपामिति स्वाहा। जो मुझे मन लाए भव्य पारस प्रभु निति, ताके दूध सब जाए भीति व्याप नहीं कितनी, सुख संपत्ति अधिकाय पुत्र मित्र अधिक सारे, अनुक्रम सो शिव लहे रतन इमी कहे पुकारे, परिपुष्पांजलि छिपे मी। चलिए नौ बार जाप बोलिए। ओम ह्रीम अरम त्रि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम
ओम भीम अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए अर्घ चढ़ा देते हैं कि जन्म कल्याण की जय जय जय। जल फल वसु सजीव थान तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दितान पूजत पाप हरो श्री वीर महावीर तन्मति नायक हो जय वर्तमान गुण वीर तन्मति नायक हो। ओम रीम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निपामिति स्वाहा। जिनवानी का अर्घोल चढ़ाएंगे हम सरस्वती का। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे पूजा को ठानत जो तुम जानत सोनर ध्यानत सुख पावे तीर्थंकर की ध्वनि गंधर्व ने सुनी अंग रचे ज्ञान मई तो जिन वर वाणी शिव सुख दानी त्रिभुवन वाणी पूज्य वही। ओम रीम श्री जिन मुकोत भव सरस्वती देवे अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निपामिति स्वाहा। सागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा जिनके जीवन की हर चरिया बन पड़ी स्वयं की नौ गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई उदय कली भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्ध भेंट में आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर है महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय तीन कर नौ कोटि कोटि मुनि राजाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निपामिति स्वाहा। पूरे जितने भी साधु संत है आचार्य विश्व सागर जी पुष्पधन सागर जी सभी जगत के पूर्ण साधु संत और तीन कर नौ करोड़ मुनि सभी का अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निपामिति स्वाहा। चलिए महार्घ हाथ में लेंगे हम। महार्घ ले लीजिए अंतिम अर्घ ये महार्घ। मैं देव श्री अरिहंत पूजु सिद्ध पूजु चाव सो आचार्य श्री उवचाय पूजु साधु पूजु भाव सो अरिहंत भाषित बैन पूजु द्वादशांग रची गनी पूजु दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशानी सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दयामय पूजु सदा जजि भावना सो दस रत्न त्रय जा बिना शिव नहीं कदा तय लोक के कृत्रिम अकृत्रिम चत चैतालय जजु पंच मेरु नंदीश्वर जिनालय खचर सुर पूजित भजु कैलाश श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजु सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा चौबीस श्री जिन राज पूजु बीस क्षेत्र विधेय के नामावली इक सहस वसु जय हो ये पति शिव गे के जल गंधा चत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए सर्व पूज्य पद पूज हूँ बहु विधि भक्ति बढ़ाए। ओम रीम त्रि भाव पूजा भाव वंदना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे श्री अरंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमिष्ठ नमः।
प्रथमान योग कर्णान योग चरणान योग द्रव्यान योगो भो नमः दर्शन विशुद्ध आदि सोरस कारणे भ्यो नमः उत्तम चमारी दस लक्षण धर्मे भ्यो नमः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चैत्र भ्यो नमः जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नागरी विषय उर्दू लोग मध्य लोग पाताल लोग विषय विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चित्यालय जिन बिंबे भ्यो नमः विदेह क्षेत्र विद्वान भीतिभ्यो नमः पांच बारह बाद पांच भारत पांच एराबाद दस से संबंधी तीस चौबीस के सात सौ बीस जिन बिंबे भ्यो नमः नंदीश्वर दिन संबंधी बावन जिन चित्यालय भ्यो नमः पंचमेरु संबंधी अस्सी जिन चित्यालय भ्यो नमः शंबे शिखर कैलाश चंपापुर पावापुर गिरनार सोनागिरी राजगिरी मथुरा आदि सिद्ध क्षेत्र भ्यो नमः जैन बद्री मूलभद्री अस्नापुर चंदेरी पकोरा अयोध्या शत्रुंजय तारंगा चमत्कार जी महावीर जी पदमपुरी तिजारा आदि अक्षय क्षेत्र भ्यो नमः श्री चारण रिद्धिधारी सप्त परम ऋषि भ्यो नमः ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम श्री बृजवादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यनामादे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे नागपुर बैजापुर नामनी नगरे पौष मासे कृष्ण पक्षे तिथि दशम्याम दिन शुक्रवासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलाभिषेक करोमि नमः। पूर्ण अर्घ चढ़ा देंगे सभी लोग दोनों हाथों से। चलिए आगे शांति पाठ की ओर। पुष्प छेपन करते रहिए शांति पाठ के समय। शांति नाथ मुख सतुनारी तीन गुण व्रत संयम धारी लखन एक सौ आठ विराजे निरखत नयन कमल दल लाजे पूछे बोली ललित जी दीदी हाँ बोलते एक सेकंड हाँ बोल रहे पंचम चक्रवर्ती पद धारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज्य जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य बिंब पवन की वर्षा धुंदुबिया शनवानी सरसा सत चमर भा मंडल भारी ये तुम प्रातिहारी मनहारी शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज्य पूजो सिरनाई परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तिने पुनि चार संग को पूजे जिने मुकुट हार किरीट लाके इंद्रादि देवरु पूज्य पदार्थ जाके सो शांति नाथ मर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करही शांति सदा अनूप संपूज को प्रतिपाल को यतीन को यति नायको को राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले कीजे सुखी है जिन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो धर्म धारी नरेशा होवे वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न जारी सुसमय वर्ते हो दुष्काल भारी सारे ही देश धारे दिन भर दुष्को सदा सौख्यकारी घात कर्म जिन नाथ कर पायो केवल ज्ञान शांति करो तब जगत में व्रत बाधिक जिन राज शांति करो मम हृदय में वृषभाधिक जिन राज शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिन राज शांति करो मम हृदय में वृषभाधिक जिन राज शांति करो सब परिवार में वृषभाधिक जिन राज हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सद्वृत्तों का सुजस कहके दोष ठाकू सभी का बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं
तोलो से ऊ चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं। तब पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनित चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनी छुड़ाऊ भव दुख से। हे जगबंधु दिनेश्वर पाऊ तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबुध सुखकारी। चलिए विसर्जन करते हैं, सभी लोग लौंग ले लेंगे तीन हाथ में। बिन जाने वा जान के रही टूट जो को, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो तब पूरन हो। पूजन विद जानू नहीं नहीं जानू आहान, और विसर्जन हूँ नहीं क्षमा करो भगवान। और विसर्जन हूँ नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखहु मुझे देव चरण की सेव। आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते अब जाओ कृपा कर अपने अपने स्थान। हे प्रभु सदा बसो मम हृदय सदा करो कल्याण। श्रीजीवर की आशिका लीजे सीत चढ़ाए, भाव भाव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। भाव भाव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बहुत सुंदर। कल हम एक पीडीएफ फाइल भेज देते हैं पूर्णमती माता जी का पार्श्वनाथ भगवान की पूजा। आवाज नहीं आ रही। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायानम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायानम, नमो लोय सब्बसाहुणम। अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायानम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायानम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायानम, नमो लोय सब्बसाहुणम। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जय। आज के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। जय जय। आज के तप महोत्सव की जय। जय जय। हमारी पूजा यहाँ समाप्त हुई। अब हम डायरेक्ट हीलिंग कर लेते हैं। आज आज हम वो नहीं करवाएंगे सामायिक सेशन का। आज हमारा जो विषय था वो बता दूं, आज हम एक भावना पत्र पार्श्वनाथ भगवान को लिखने वाले थे। अब हम उसको कल करेंगे, कल या परसों करेंगे। तीन संकल्प पत्र हम लिखना है जन्म जयंती पे, भावना पत्र, संकल्प पत्र और प्रार्थना पत्र। तीन पत्र सामायिक के माध्यम से हम तीन दिन तक लिखेंगे। कल नहीं हो पाएगा तो परसों से लिख लेंगे। और आज दोपहर में तीन सेंटर का उद्घाटन 2 बजे IVS के, इसी ID पे सभी लोग जुड़िएगा। उस ठीक शाम को 7 बजे आज भक्ति और भजन संध्या आज शाम को दी गई है, सभी लोग उसमें जुड़ने की कृपा करेंगे। चलते हम सीधा दीदी 14 नंबर का श्लोक और हीलिंग कंटिन्यू रखिएगा। हाँ वो तो कर रहे हैं। हाँ हाँ वो कर रहे हैं ना। कल भी 14 पूजा और पूजा के बाद 14 नंबर का श्लोक ऐसे हम ले लेंगे कल भी और आज भी। और फिर मुझे आज मेरी क्लास भी है एक, इसलिए सिर्फ हीलिंग के बाद हम सेशन को एंड कर देंगे आज।
दोपहर को 2 बजे आईवीएस सेंटर के उद्घाटन में जुड़िए सभी लोग। शाम को भक्ति संध्या जन कल्याण के उपलक्ष में और नीरज दीदी के जन्मदिन के उपलक्ष में। देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए सभी लोग अच्छे से। पूजा कर लिए तो दर्शन तो सभी लोगों ने कर लिए है। देखिए कितना शुभ संयोग है कि पार्षना भगवान के जन्मदिन के दिन ही हमें नीरज जी का जन्मदिन पड़ रहा है, तो कितनी शुभकामनाएं उनको भी मिल रही है और इतना आशीर्वाद पार्षनाथ भगवान से भी मिल रहा है कि मेरी जन्म के साथ साथ एक मेरी शिष्या का जन्मदिन आया। बहुत बहुत मुबारक। सारे दिन उनका भी सारे दिन ही चलेगा जन्मदिन। अभी यहाँ से वहां जाना है उनको, वहां मनाएंगे, फिर दोपहर में 2 बजे मनाएंगे, फिर शाम को 7 बजे मनाएंगे। कल से मना रहे हैं। चलिए चलते हैं हम हमारी हीलिंग सेशन की ओर, सभी लोग की स्वस्थता की कामना करते हुए। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्लोक पढ़ेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ए संस्थिता श्री जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्।
संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंगयन्ति हे संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरितो यथेष्टम्। चलिए मंत्रों की ओर चलेंगे। मंत्र मुग्ध होना है, मंत्रमय होना है। मंत्रों के माध्यम से ही हमने अपनी यात्रा यहाँ तक की है और आगे की यात्रा भी मंत्रों के माध्यम से ही होंगी, इसलिए मंत्रों को अपने अंदर उतारने की कोशिश करिए। मंत्रमय हो जाइए। मंत्र हमारी रक्षा ही नहीं, सुरक्षा भी करते हैं, स्वरक्षा भी करते हैं। इसलिए बड़े ही भावों के साथ मंत्रों को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। मंत्रमय होना है, मंत्र मुक्त होना है सभी को। ओम भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। 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 चलेंगे रिद्धि की ओर। दोनों हाथों को सहस्त्र चक्र पे, स्काई तत्व से तीन कलर की एनर्जी अपने अंदर सहस्त्र चक्र में लेना है। वायलेट कलर, डार्क ब्लू कलर, स्काई कलर, तीन कलर की एनर्जी। चलिए रिद्धि बोलेंगे दोनों हाथ को सहस्त्र चक्र पे। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। दोनों हाथ को मिडल चक्र, दोनों हाथों को अपने अनाज चक्र पे, हार्ट चक्र पे। ग्रीन कलर की एनर्जी आपको अपने इंडोक्राइन ग्लैंड से पूरी ग्रीन कलर की एनर्जी अपने अंदर डालनी है। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा।
ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चलेंगे हम बीजाक्षर बम ओम बम की ओर। नियम बता दो कह रहे हैं। हाँ नियम रह गया, नियम बता देते हैं और फिर हम बम ओम बम बीजाक्षर की ओर भी चलते हैं। आज पार्श्वनाथ भगवान का दिन है तो आज तो नमक तो सब लोग पहला नियम आज और कल दो दिन नमक का त्याग कर सकते हैं। इसमें वो निकल ही गया, लीजिए भोजन से ऊपर में नमक ना ले, ऐसे निकलते हैं बिल्कुल रिलेटेड। ये 100-108 कार्ड में से ऐसे रिलेटेड चीजें निकलती है। भोजन में ऊपर से कम नमक ना लाए। आलोचना पाठ एवं प्रतिक्रमण पढ़ना, प्रतिक्रमण तो हम पढ़ेंगे। हरी वस्तु खाने का त्याग, हरियाली का खाने का त्याग, इसमें से जिसको जो लगे एक आधी एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। भोजन के पहले 5 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। हरी वस्तु खाने का त्याग, भोजन से ऊपर नमक नहीं लेना, पूरा नमक भी छोड़ सकते हैं आज पार्श्वनाथ भगवान का दिन है। आलोचना पाठ एवं प्रतिक्रमण पढ़े और 5 बार नवकार मंत्र जरूर पढ़े। 9 बार तो हम पढ़ते ही है भोजन के पहले, 5 बार निकला इसमें, लेकिन 9 बार आप पढ़िए। और उसमें पढ़ते हुए ये भावना भाइये कि जितने भी जगत में साधु संत है सबका आहार निरंतराय हो, उन्हें कोई अंतराय ना आए, उनके बिहार में कोई अंतराय ना आए। दूसरी बात, कोई भी जगत का व्यक्ति भूखा ना सोए, इतनी भावना उसमें जरूर भाई है। कोई भी जगत का व्यक्ति भूखा ना सोए, जब हम 9 बार नौकार मंत्र बोलते भोजन के पहले, तो इतनी भावना जरूर भाई है, कोई भी व्यक्ति जगत का भूखा ना सोए। और हमारे जो साधु संत है इनके आहार और विहार निरंतराय होए। और तीसरी बहुत अच्छा पॉइंट आपको बता रही हूँ, जो भी भोजन मेरे अंदर जा रहा है वो वीतराग भावों के साथ मेरे अंदर जाए। मेरे साथ भोजन करते समय कोई भी दुर्भाव मेरे अंदर ना जाए। भोजन जब लूँ तो वो मेरी वीतरागता को पोष्ट करने के लिए वो भोजन होए, वीतरागता की ओर बढ़ाने के लिए मुझे वो भोजन मिले। वो जो मैं भोजन कर रहा हूँ वो मेरी वितरागता को पुष्ट करे, वो मुझे वैराग्य भाव को पुष्ट करे, मेरा वैराग्य भाव पुष्ट होए। इसी भावना के साथ भोजन करेंगे। 3 प्रकार की भावना आप भाई है, वैसे 5 है, 2 मुझे और याद नहीं आ रही है। 5 मैं बोलती थी, अभी कई दिन से नहीं बोली तो 2 मुझे याद नहीं आ रही। और एक तो यही है कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े, और एक और कोई है, पहले बोलते थे बहुत दिन से नहीं बोल पाए। भक्तांबर में लगे हैं तो कोई कोई चीज छूट रही है, कोई कोई चीज आ रही है, आती जाती रह रही है कोई कोई चीज। हाँ तो इस प्रकार की 3 भावना आप निश्चित ही भाइये भोजन के पहले नौकार मंत्र जरूर पढ़िएगा। सभी साधु संतों का आहार विहार निरंतराय हो, और
हम जो भोजन कर रहे हैं वो वितरकता को पुष्ट करे, हमारे वैराग्य भाव को पुष्ट करे, और तीसरी चीज है कि कोई भी इस जगत का व्यक्ति भूखा ना सोए, सभी को अन्न प्रदान होए। इस भावना के साथ भोजन करेंगे सब लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उससे आप खुद देखोगे आपका हेल्थी भोजन कितना अच्छा रहता है। और हमारे भोजन के पहले हम एक चपाती जरूर किसी को दान करने की भावना भाई। चलिए आगे चलते हैं। आज ना सुरेखा जी का भी बर्थडे है, आज उनके यहाँ सगाई है, उनके सेंटर का उद्घाटन है 2 बजे, और शाम को सगाई भी है आज उनके बेटे की। उनके भी सुरेखा जी को भी आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। शायद आज वो नहीं जुड़ी होंगी। सुरेखा जी श्रीरामपुर से है, जिनका सेंटर आज ओपन होने जा रहा है श्रीरामपुर से। सुरेखा जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। नीरज जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज दो लोगों के इसमें मैसेजेस आ रहे हैं, दो लोगों का जन्मदिन है आज IVS के। चलेंगे हम बीजाक्षर बम ओम बम। ये आज जो बीजाक्षर हम ले रहे हैं ये नीरज जी के लिए ही शुरू किया गया था। जब नीरज जी ने कहा था कि मेरे हाथ पैर तिरछे हो रहे हैं, तो उस समय हमने सोचा ठंड में ऐसा हो रहा है तो हम 14 नंबर ही श्लोक ले और मंत्र दी। नीरज जी की वजह से ये श्लोक हमने शुरू किया था। चलिए बम ओम बम की जाप हम करेंगे बीजाक्षर की। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। बम ओम बम, 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 बम ओम बम,
बम ओम बम 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 बोल सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चैत्राय नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलते हैं हम प्रतिक्रमण की ओर। आज हम सेल नहीं ले रहे हैं, स्वाध्याय प्रतिक्रमण कर लेते हैं। हाथ जोड़ लीजिए दोनों, गौवासन में बैठ सकते हैं, बैठी। लघु सामायिक हम लेते हैं, उसमें सामायिक सेशन भी चल रहा है अभी हमारा। दोनों हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। हे अरिहंत प्रभु, एक हे अरिहंत प्रभु, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा मन वचन काय से क्रोध मान माया लोभ द्वारा 108 प्रकार से हिंसा कर कर्माश्रय होए ताको मन वचन काय से त्याग हूँ। तन धन कुटुंब के ममत्व को त्याग हूँ। चार प्रकार से उपसर्ग विषय चार प्रकार के आहार को त्याग हूँ। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु केवली प्रणीत जिन वचन काल के समय ये ही लोक में उत्कृष्ट है, इन्हीं की शरण वांछ हूँ। क्षेत्र के अवगाहन आकाश के प्रदेश काल के समय जेती काल सामायिक करूँ, तेती काल मर्यादा है। छह काय के जीवों के प्रति उत्तम क्षमा करूँ, कराऊ और करने वाले को भला जानू। 5 मिथ्यात 12 अभिरत 15 योग 25 कसाय ऐसे 57 आश्रव कर
पाप लागो होए तस्म इच्छामि दुखड़म। नित्य निगोद 7 लाख, इतन निगोद 7 लाख, पृथ्वी काय 7 लाख, अप काय 7 लाख, वायु काय 7 लाख, तेज काय 7 लाख, वनस्पति काय 10 लाख, 2 इंद्री 2 लाख, 3 इंद्री 2 लाख, 4 इंद्री 2 लाख, नरक गति 4 लाख, देव गति 4 लाख, तिरेंच गति 4 लाख, मनुष्य गति 14 लाख। इस प्रकार 84 लाख योनि माता पक्ष 100 से 99 लाख कुल कोड़ा कोड़ी पिता पक्ष पर्याप्त निवृत्त पर्याप्त लब्धि पर्याप्त में जो कोई जीव की विराधना करी होए तत्सम इच्छा में दुखड़म तथा राग देश कर पाप लागो होए तत्सम इच्छा में दुखड़म। त्रिदंड त्रिशल्य त्रिगारो करीने पाप लागो होए तत्सम इच्छा में दुखड़म। राजकथा चोर कथा स्त्री कथा भोजन कथा करीने पाप लागो होए तत्सम इच्छा में दुखड़म। 4 अर्थ ध्यान 4 रौद्र ध्यान करीने पाप लागो होए तत्सम इच्छा में दुखड़म। अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार करीने पाप लागो होए तत्सम इच्छा में दुखड़म। पंचस्थावर छठवे तस जीवन की विराधना पंचेन्द्रिय तथा मन कर करीने पाप लागो होए तत्सम इच्छा में दुखड़म। सप्त भय करीने पाप लागो होए अष्टमत करीने पाप लागो होए अष्टमूलगुण व्रत अतिचार करीने पाप लागो होए। 10 प्रकार बाह्य परिग्रह करीने पाप लागो होए 14 अभ्यंतर परिग्रह करीने पाप लागो होए तत्सम इच्छा में दुखड़म। 15 प्रमाद करीने पाप लागो होए 25 मल करीने पाप लागो होए 5 अतिचार करीने पाप लागो होए तत्सम इच्छा में दुखड़म। हमारे सम्यक्त विषय किसी प्रकार दोष लागो होए तत्सम इच्छा में दुखड़म। दुष्परिणाम कर दुचेष्टा कर दुराचार कर पाप लागो होए तत्सम इच्छा में दुखड़म। हिड़ता बोलता चलता सोता मार्ग विषय देखे अनदेखे सूक्ष्म वादर कोई जीव चापो होए भय पायो होए त्रास पायो होए छेदन पायो होए भेदन पायो होए दुख पायो होए तत्सम इच्छा में दुखड़म। यतिराज अर्जिका श्रावक श्राविका की अभिनय तथा निंदा करी होए कराई होए अनुमोदन करी होए तत्सम इच्छा में दुखड़म। देव गुरु शास्त्र की अभिनय करी होए संकल्पित द्रव्य के विषय पाप लागो होए सामायिक के 32 दोष में से कोई दोष लगा होए 5 इंद्री के 27 विषय कर पाप लागो होए तत्सम इच्छा में दुखड़म। हमारी किसी के साथ वेदनाएं विरोधनाएं रागनाएं दोषनाएं माननाएं मायानाएं हमारे समस्त जीवों के साथ उत्तम क्षमा भाव प्रत्यो तथा चौगति दुख निवारण जिन गुण संपत्ति भव भव मुझे हो दुख खो कमक खो गोई लाओ सुवे गमनम सम्मम समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। ओम जय 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 नमोस्तु 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 चत्तारी मंगलम चत्तारी लोगोत्मा चत्तारी शरणम पब्बजामी। हे गुरुवर आज का यह नया दिवस आपने नए अनुष्ठान के साथ हमें दिया इसलिए हम आज आपके कोटि कोटि आभार कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के इस अनुष्ठान में हमसे शब्द अक्षर काणा मात्र की किसी भी प्रकार की स्वर व्यंजन की गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। तत्सम इच्छामि दुखड़म तत्सम इच्छामि दुखड़म। मेरे दोष मिथ्या हो मेरे दोष मिथ्या हो। मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ मैं स्वस्थ हो चुका हूँ मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम ओम नमः आरोग्यो हम ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आज के जन्म तप कल्याणक महोत्सव की जय जय। सवा 8 हो गए हैं। आज हमको सेशन जल्दी एंड करना था तो आज हम सेशन को एंड करते हैं। रात में सभी लोग जुड़ेंगे भक्ति में और नीरज जी के जन्मदिन में और दोपहर में 2 बजे ठीक हमारे सेंटर का उद्घाटन है इसलिए आज हम इस सेशन को एंड करते हैं। चलिए बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। नीरज जी नीरज जी के वीडियो बंद है ललिता जी के बंद है सबके वीडियो बंद है। ठीक है बहुत सुंदर सेशन का आ रहा है। थैंक यू सब व्हाट्सएप मैसेज वाले को। कल और हमारी यही आराधना चलेंगी हम 2 दिन मना लेंगे पार्श्वनाथ भगवान का जन्मदिन।
चलिए।